नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ताकतवर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। G20 के विश्व सम्मेलन में विश्व के बड़े देशों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता करना यह प्रमाणित करता है नरेंद्र मोदी विश्व के नेता हैं। उनके जन्मदिन पर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सीखना और प्रयास करना चाहिए, कैसे सामान्य व्यक्ति परिश्रम कर देश के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन भी वितरित की गयी। आदरणीय रमेश जी, आदरणीय कॉमरेड चंदू शिंदे जी, मुन्नालाल यादव जी सभापति, हमारे राजेंद्र जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु और देवियों को प्रणाम। वैसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा अपन ने हेल्थ शिविर लगाने का प्लान किया था, देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर होता वो, किंतु अतिवृष्टि के कारण वो स्थगित कर दिया और 1 तारीख को होगा। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मना रहे हैं। हमारे ही परिवार में जो मातृशक्ति आर्थिक रूप से असक्षम हो उन्हें मशीन वितरण का कार्यक्रम है ये। वैसे तो अपन इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, पर आज चूंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। अभी पिछले दिनों G20 की बैठक हुई, उस बैठक में हमने देखा कि दुनिया के सारे ताकतवर देश के नेता बैठे हुए थे और उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान बढ़ाने वाला क्षण था जब वो दुनिया के सब लोगों के बीच में उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और उस अध्यक्षीय कार्यक्रम में जिस तरीके के निर्णय हुए, शायद आप लोगों को देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन, जो दिल्ली के अंदर एक आम सहमति से एक डिक्लेरेशन हुआ, उसमें भारत ने अपने हित का ध्यान रखा और सब देशों से हस्ताक्षर करवाकर सर्वानुमति से उस दिल्ली एजेंडे को पास करवाया। ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा है सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर। मैं दूसरे दिन इंटरनेट पर सारी दुनिया के अखबार देख रहा था, सब जगह मोदी जी फ्रंट पेज पर थे और उनके द्वारा की गई G20 की व्यवस्था और उसमें हुआ डिक्लेरेशन, उसकी चर्चा थी। तो हमने तो हमारे देश के नेता को देश का नेता बनाया था और वो आज विश्व के नेता हो गए और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इस बात के लिए हमें गर्व करना है। मोदी जी की एक विशेषता थी कि जन्मदिन हो या कोई विशेष पर्व हो, वो अपनी, जब तक उनकी माँ जीवित थी, वो माँ का आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। करना चाहती हूँ, धन्यवाद। और है ना, जिस टाइम दिसंबर के महीने में हम बहुत परेशान थे, उस टाइम हमारे को दादा भाई ने बहुत सहारा दिया और हमारे पार्षद ने मेरी बच्ची को भी सहारा दिया। इतने परेशान थे इसके दादा दादी पापा के जाने के बाद, बहुत परेशान थे हम दिसंबर के महीने में। आज इन दादा भाई और इनने मिलके हमको बहुत सहारा दिया, अपनों ने साथ छोड़ा पर इनने सहारा दिया हमको। मेरी बच्ची की पढ़ाई छूटने वाली थी पर पार्षद हमारा दादा भाई करने लाए पर इनने हमारी हेल्प करी, आज मेरी बच्ची की पढ़ाई चल रही है अभी तक। इसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया करूंगी दादा भाई और हमारे पार्षद जी का, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.